चपुआडी पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान भड़के ग्रामीणों ने सीओ के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। बताया जाता है गिरेंद्र मंडल बिशनपुर के रहने वाला है। उन्होंने सीओ पर गंभीर आरोप लगाया है कि 25,000 रुपया नहीं देने के कारण उसके घर को बनने नहीं दिया। इस मामले को लेकर सीओ को ग्रामीणों ने घेरा भी। वहीं बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर आलोक कुमार, बीडीओ क्यूम अंसारी व पत्रकारों के पहल पर मामले को शांत कराया गया। इधर गिरेंद्र मंडल समेत कई ग्रामीणों ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि पैसे नहीं देने पर सीओ काम ही नहीं करता। इस मामले को लेकर जब सीओ से बात करने पहुंचे तो सीओ ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। भिंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। अरे क्या मामला है? मामला ये सर, अपना हम खरजानी जमीन में मकान बना रहे थे। हाँ। जो उन्हें सब 10 एकड़ में सर्वे हुआ है। हाँ। तो सीओ साहब आकर के मकान को रोक दिया। हाँ। बोला ये जमीन मेरा है। हाँ। हम बोले मैं आपका जमीन कैसे? बोले बकास है। हाँ। तो बकास तो 90% झारखण्ड में है सर। हाँ। डूमर डूमर है, बिशनपुर है, चपुआड़ी है। हाँ। सब मजा है, रोज मकान बन रहा है। हाँ। आप कहे रोक रहे हैं? हाँ। तो नहीं है, हम आपको नहीं बनाने देंगे। हाँ। आपको संहिता को एक एक करके कबाड़ चले जाए। हाँ। और छड़ सीमेंट में लगाए थे। हाँ। सब चुरा के भी ले गए लोग। हाँ। और बोले कि तो एक दिन ब्लॉक गए। बोले साहब बनाने दिए हम गरीब को, कैद तंग कर रहे हैं। हाँ। बोले नहीं, पैसा लगेगा 25,000 रुपया। हाँ। मकान बन जाएगा आपका। हाँ। हम बोले एक पैसा नहीं देंगे, जो कुछ हो मकान बने ना बने। हाँ। हम पैसा नहीं देंगे। इतना पैसा कितना दे सकेंगे आपका? अपने बकास मेरा है। अरे ये बकास के बंदे से पूरे मकान बना रोड किनारे, अब पूरा बिशनपुर मौजा मेरा बकास है, और आप कहते मेरा जमीन है। तो यही बात। कितना पैसा मांगा जा रहा था? 25,000। वही घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। क्या बोला? बोला नहीं नहीं बना रहे, 4 महीना हो गया सर, उसमें 1,500 रुपये का नुकसान हो गया। सीमेंट छत चढ़ा के ले गया, सीमेंट भी 30 बोरा बर्बाद हो गया। इतना सर लोग ले रहा है यहाँ वहाँ। कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुर। क्या नाम हुआ? गिरेंद्र मंडल। तो पैसा कौन मांग रहा था आपसे? सीओ साहब। क्या बोला? नहीं पैसा नहीं देने से मकान नहीं बनेगा। कितना पैसा मांग रहा है? 25,000। तो फिर आप क्या बोले? हम 2 साल बाद गए थे, एक बार बोला कागज दिखाई ला के थाना ले गए और थाना में बंदी कर दिए। थाना में किसको बंद कर दिया? हमारा और उसको जिसको जमीन दिए हैं बनाने के लिए। हाँ। उसको दोनों को बंद कर दिए। हाँ। और बोले आप कहाँ जाइएगा? हाँ। हम उसे बॉन्ड करवा दिए। हाँ। कि जमीन में मकान नहीं बना सकेगा। हाँ। तो लिख लीजिए। हाँ। तो हम लोग डर के मारे 10 बजे रात था। हाँ। बॉन्ड कर दिए और थाना से निकल गए। और अभी तक जमीन पड़ा हुआ है वहाँ, जैसे इंक्वायरी करके देखा जाए, छत सब काटा गया पिलर वाला, और नीचे जो बीम दिए थे वो भी सब काट के दे गया है। बोला टोटल पैसा कितना मांग रहा था ये? 25,000। 25,000। क्या नाम बताया आपने? गिरिंद्र मंडल बिशनपुर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीओ, मुर्दाबाद 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 देवाबाद सीओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथ खड़ा करिए ना, हाथ खड़ा करिए ना। सीओ मुर्दाबाद 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 देवाबाद सीओ, मुर्दाबाद 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 देवाबाद सीओ, मुर्दाबाद 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 देवाबाद सीओ। हाय 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 देवाबाद सीओ। हाय 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 देवाबाद सीओ। घुसखोरी 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 देवाबाद सीओ। अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। चलिए सीओ साहब आकर के उस मकान को रोक दिया, और उसके बाद मकान रोकने के पश्चात और हमारे गांव में उसी प्रकार जमीन में अपने समक्ष में रह करके और मकान बनवाया है सीओ साहब। तो क्या आप कहना है, मतलब क्या मांग? मेरा कहना क्या रहेगा, मेरा कहना यही है कि जो पहले मकान शुरू हुआ और उसी प्रकार का जमीन में, अब ये तो पैसा इनसे मांगा उस समय हम थे नहीं, लेकिन इनके भाषण के अनुसार ये इन्होंने कहा कि 25,000 रुपया मांग रहा है, तब जाकर के सीओ साहब आदेश करेंगे। इसी बात पर इन्होंने पैसा देने से इनकार किया, तब जाकर के मकान इनका रुका हुआ। लेकिन उसके बाद जो जो मकान है, जो गैर आदमी आकर के हमारे गांव में लोकल कागज बनवा करके, जबकि अभी रजिस्ट्री रुका हुआ है बकास जमीन का, लेकिन खोसकी कागज बनवा करके सारी मकान इसके बाद जो शुरू किया सो बनवा रहे हैं, और जबकि सीओ साहब खुद अपने प्रत्यक्ष रह करके अब माफी करके मकान बनवाया है। क्या लग रहा है, सीओ सही कर रहा है गलत कर रहा है? सीओ साहब सरासर गलत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सीओ साहब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? धनराज मंडल। कौन सा गाँव? बिशनपुर।
ठीक है, थैंक यू। ये बताएंगे जमीन को लेकर? ये जमीन बकास पर सीओ साहब अधिकार करते कि ये मेरा जमीन है, आप लोगों का जमीन नहीं है। जितना भी कोई भी जमीन पर मकान नहीं बना सकते हैं आप। अच्छा, ये जमीन पर जब मकान बनाएगा तो डोजर से तोड़ दिया जाएगा। इसके आगे तुम लोग बॉन्ड करवा लिया, एक आदमी को पकड़ के थाना में ले जा करके, अब हम लोग भी डरते नहीं सर पा रहे हैं तो कैसे क्या बनाएगा हम लोग मकान। ये तो झोपड़ा झोपड़ी बना के किसी रूप से गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ परेशानी है। क्या पैसा था वो डिमांड किया था? पैसा मांगता है घूस, बिना घूस का मकान नहीं बना सकते हैं आप। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ झारखंडी मंडल। कहाँ से कहाँ करने वाले हैं? कितना पैसा मांगा गया? उनसे मांगा गया जिंदर मंडल से 25,000 रुपया। आपसे कितना मांगा गया? हमसे बात नहीं हो पाया, हम बोले पैसा नहीं, हम देने के लिए इनकार कर दिए, हम चल दिए। सीमेंट खराब हुआ तो वो कौन भरपाई करेगा? हजार महीना से बंद है काम, हजार महीना से कम कितना हो रहा है? नया नया मकान बन रहा है, लोग जो जमीन लेकर बना रहा है। मुखिया जी वो जमीन, मुखिया जी सुनो, वो जमीन और इस जमीन में अंतर क्या था जो सीओ साहब 1 फीट रहते 3 फीट? जब सीओ साहब का जमीन है फिर वहाँ 1 फीट रहते 5 फीट? जो जमीन वो नापी करवाए हैं सीओ साहब, वही जमीन इनका है, तो फिर वहाँ ये बैठ कर क्यों नापी करवाए? अभी इसका रहस्य हम जानते नहीं है। कीजिए हाथ खड़ा, कीजिए धनराज जी, कीजिए ना। देवबाद सीओ, हाय 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 हाय, देवबाद सीओ, हाय 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 हाय, देवबाद सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवबाद सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई आप बना रहे हैं? कौन बना रहा है? इनको बुलाइए तो। इनको बुलाएं? इनको बुलाएंगे? आप बना रहे हैं? हमारा जमीन कौन बनाएगा? हमारा आप बना रहे हैं? हाँ, हमने कागज पत्र देखे हैं, आपको दिखाने का थाना में हमको झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं सर? झूठ मत बोलिए सर। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठा बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है सर, हम अपना जमीन में मकान बना रहे हैं। बनाइए सर। सुनिए, कह रहे मतलब है सर कि जो मालिक होता है वही वहाँ काम करता है कि उसका कोई मजदूरा कोई आदमी काम करता है? आप घर बना रहे हैं ना? नहीं नहीं, जो सीओ साहब कह रहे हैं कि आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, अरे कोई मजदूरा वहाँ लगा हुआ था, रोका दिया काम। अरे सुनो ना भाई, आप घर बना रहे हैं तो आपको क्यों रोकेगा? आप बनाओ, आप तो रुका बंद करा जाओ थाना में सर। थाना तो थाना की बात करिए ना, इनसे क्यों बात कर रहे हैं? साहब जाके अपना बैठ के बॉन्ड करवाया है। कराया? ये थाना गए थे तो नहीं बोल रहे हैं? 10 बजे रात थाना गए, हम लोग को बुलाया, क्या कागज पत्र दिखाए, कागज करके खेंगे, बोला बंद कीजिए, तो थाना वो बंद करके घोड़ करवा दिया, तो छोड़े हम लोग इसको। सुने ना सर, सुना जाए, थाना में अगर सीओ साहब का आवेदन दिया हुआ नहीं होगा या वहाँ किसी प्रकार का सीओ साहब का किसी प्रकार का अगर साबित नहीं होगा तो जो भी आप लोग दंड दीजिएगा हम लोग बर्दाश्त करने तैयार हैं। ठीक है, ये तो देखिए आपको, आप उसी समय बोले थे कि मैटर विवादित वाला है, आप इसको आराम से देखिए। विवादित क्या है सर, जमीन मेरा है तो फिर विवादित कोई पार्टी विवादित करेगा कि जमीन मेरा होगा? विवादित नहीं जी, सब विवादित होगा। ठीक है, कोई विरोध नहीं करना जो कर रहे हैं तो विवादित है, विवादित है तब तो बात यहाँ तक गया। अगर आपको आराम से देखना पड़ेगा। नहीं सर, कोई पब्लिक अगर विरोध कर रहा है और वो अगर रिपोर्ट दे रहे हैं सीओ साहब का तो वहाँ प्रूफ की बात है। सीओ साहब आपका भाई है क्या? तो आपसे क्यों लड़ेगा? अब यही तो हम लोग को जानकारी है, आपका गलत फहमी है। आप जाकर के दोबारा वो सब कीजिएगा, आपका जमीन है, आपका अगर जायज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बनाइए अपना। तो हम लोग जान बुझ करके छड़ कटवा देते और सर इतना दिन रोका हुआ काम है। आपका प्राइवेट जमीन पे आप खेती कीजिएगा तो उससे सीओ के क्या लेना देना है? पर मतलब यही तो नहीं जान पा रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं, पहली बात ही नहीं बना रहे। अच्छा, उसको देखा जाएगा आप लोग का आराम से, आप लोग जो है उसको जहाँ उचित जगह होगा लिख पढ़ करके दीजिएगा, जाँच पड़ताल होगा, अगर आपका वाजिब है तो हो जाएगा। जबकि उसी प्रकार का ही जमीन में एक नहीं बल्कि 10 गो मकान अभी बन रहा है, अभी सब तैयार हो गया। ठीक है, तो आप लोग उसका अपना जो गृहांश है आराम से मिलिएगा, वो धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अरे मंदिर में कसम खाइएगा? हाँ जी, हर जगह झूठ बोलिएगा बूढ़ा पे। एक मिनट, आप बंद कीजिए, खत्म हो गया ये मांग, आप बंद कीजिए, झूठ बोल रहे हैं। आपको कौन बोल रहा था? ठीक है, इनको कसम खा रहे गए, मकान वो मकान रोके कि नहीं, वो कसम खा गए? ये तो पहले घर नहीं बना बैठ के सीओ साहब, झूठ मत बोलिए, हमको इतना झूठ बोल रहे हैं जी आप? झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं? अरे सच बोल, 3 घंटा बैठ के नहीं मकान बना देगा आदमी का? कहा बना 3 घंटा बैठ के? नहीं पैसा दिया तो 3 घंटा सीओ बैठ के मकान बना दें? कहा मंडल का?
समक्ष में रह करके और मकान बनवाया है सीओ साहब। तो क्या आप कहना है, मतलब क्या मांग करते हैं? मेरा कहना क्या रहेगा, मेरा कहना यही है कि जो पहले मकान शुरू हुआ और उसी प्रकार का जमीन में, अब ये तो पैसा इनसे मांगा उस समय हम थे नहीं, लेकिन इनके भाषण के अनुसार ये इन्होंने कहा कि 25,000 रुपया मांग रहा है, तब जा करके सीओ साहब आदेश करेंगे। इसी बात पर इन्होंने पैसा देने से इनकार किया, तब जा करके मकान इनका रुका हुआ। लेकिन उसके बाद जो जो मकान है, जो गैर आदमी आकर के हमारे गांव में लोकल कागज़ बनवा करके, जबकि अभी रजिस्ट्री रुका हुआ है बकास जमीन का, लेकिन खोसकी कागज़ बनवा करके सारी मकान इसके बाद जो शुरू किया सो बनवा रहे हैं, और जबकि सीओ साहब खुद अपने प्रत्यक्ष रह करके अब माफी करके मकान बनवाया है। क्या लग रहा है, सीओ सही कर रहा है गलत कर रहा है? सीओ साहब सरासर गलत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सीओ साहब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? धनराज मंडल। कौन सा गांव? बिशनपुर। ठीक है, थैंक यू। दिक्कत है सर, हम अपना जमीन में मकान बना रहे हैं। मतलब है सर,
जो मालिक होता है वही वहाँ काम करता है कि उसका कोई मजदूरा कोई आदमी काम करता है? आप घर बना रहे हैं ना? नहीं नहीं, जो सीओ साहब कह रहे हैं कि आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, अरे कोई मजदूरा वहाँ लगा हुआ था, रोका दिया काम। अरे सुनो ना भाई, आप घर बना रहे हैं तो आप कुछ क्यों रोकेगा? अब बनाओ, अब तो रुका होगा, बंद करा दिया थाना में सर। थाना तो थाना की बात करिए ना, इनसे क्या बात कर रहे हैं? सर जाके अपना बैठ के बंद करवाया है। कराया? ये थाना गए थे। इधर नहीं बोल रहे हैं। 10 बजे रात थाना गए, हम लोग को बुलाया, क्या कागज पत्र दिखाई, कागज के देखेंगे, बोलो बंद कर दिए, तो बंद कर दिए, बोर्ड करवा दिए, तो छोड़े हम लोग इसको। सुने ना सर, सुना जाए, थाना में अगर सीओ साहब का आवेदन किया हुआ नहीं होगा या वहाँ किसी प्रकार का सीओ साहब का किसी प्रकार का अगर साबित नहीं होगा तो जो भी आप लोग दंड दीजिएगा हम लोग बर्दाश्त करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो देखिए आपको उसी समय बोले थे कि मैटर विवादित वाला है, आप इसको आराम से देखिए। विवादित क्या है सर, जमीन मेरा है तो विवादित, कोई पार्टी विवादित करेगा कि जमीन मेरा होगा? विवादित है जी, सब विवादित होता है। ठीक है, विरोध में इतना जो है तो विवादित है, विवादित है सब, तो बात क्या तक गया, अगर कोई उसको आराम से देखना पड़ेगा सर। कोई पब्लिक अगर विरोध कर रहा है और वो अगर रिपोर्ट दे रहे हैं सीओ साहब का, तो आप प्रूफ की बात है। इधर आओ ना, पीछे रहो। सीओ साहब आपका भाई है क्या, तो आपसे क्यों लड़ेगा? अब यही तो हम लोग को जानकारी, आपका गलत फहमी है, आप जाकर के दोबारा वो सब कीजिएगा, आपका जमीन है, आपका अगर जायज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बनाइए। तो हम लोग जान बुझ करके छड़ कटवा दिए, तो उससे सरकार ने रोका हुआ काम है। आपका प्राइवेट जमीन पे आप खेती कीजिएगा तो उससे सीओ को क्या लेना देना है? मतलब यही तो नहीं जान पा रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं, पहली बात यही नहीं बना रहे हैं। अच्छा उसको देखा जाएगा आप लोग का आराम से, आप लोग जो है उसको जहाँ उचित जगह होगा लिख पढ़ करके दीजिएगा, जांच पड़ताल होगा, अगर आपका वाजिब है तो हो जाएगा। जबकि उसी प्रकार का ही जमीन में एक नहीं बल्कि 10 को मकान अभी बन रहा है, बन गया। ठीक है, तो आप लोग उसका अपना जो गृहस्थ है आराम से मिलिएगा, वो धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम से मिलते मिलते 4 महीना के साथ 6 लाख का नुकसान है। छोड़िए ना साहब, बोल रहे हैं आराम से, कब उसमें कह रहे हैं ठीक है। जमीन का मामला सर, हम अपना खतियानी जमीन 2 कट्ठा जमीन में मकान बना रहे थे जी, और मकान का तब्दील कोड़ करके कुछ उठा करके छत बिछाए थे, पिदर दिए थे जी। सीओ साहब आया, एकाएक ये जमीन ले रहा है, हमसे सवाल जवाब किया कि सर मेरे हफ्ता कैसे जमीन सर्वे सेटलमेंट में क्या 1911-12 में हमारा खतियान बना है अरे नाना के नाम से, आप कैसे कह रहे हैं मेरा जमीन है? बोलो नहीं, बकास जमीन है, ये बकास मेरा जमीन टोटली है। तो उनसे सवाल जवाब किया कि सर बकास तो 90% झारखंड में है, चुपवाड़ी बिशनपुर डूमरजोर सब बकास से बकास पड़ा हुआ है, और सब में मकान बन रहा है, मेरा में जमीन में कैसे नहीं बनेगा? बोलो तो जितना मकान सब डोजर लगा के तोड़ देंगे। हम कहते सर कहीं पागल हो गए अपने कि हम बस बोले से कर गलती कर बोले कि कहीं पागल हो गए सर, करके मकान पर डोजर लगा के तोड़ देंगे। और क्या और कुछ हुआ था इसके बाद? वो बोले कि ब्लॉक में आना, ब्लॉक जब गए तो एकांत करके बुलाए, गए तो बोला इसमें खर्चा लगेगा। तो क्या खर्चा लगेगा सर? 25,000 रुपये आपको लगेगा, आप मकान बना सकते हैं। हम कहे सर एक पैसा नहीं देंगे, अपना जमीन पैसा काहे देंगे? इसके बाद एक दिन बुलाए, फिर थाना पकड़ के दे गए पुलिस, गए तो थाना बोले कहे थे बात नहीं सुने, अभी भोगो तुम ये रहोगे। अच्छा, तो बाद में जितना बना रहे मकान, हाँ इसके बाद में सर वहाँ थाना में बॉन्ड दिखा दिया बड़ा बाबू हमसे। अच्छा, कि सीओ साहब जो कहेगा वही कीजिए, अंदर बैठो ना, चल ना। अच्छा, अंदर जा कर के तो फिर बड़ा बाबू बॉन्ड दिखा दिया हम लोग से। अच्छा, और छोड़ दिए। तो बॉन्ड में क्या लिखा गया है? बॉन्ड में लिखा गया कि जब तक सीओ का आदेश नहीं होगा यह मकान नहीं बन सकता। तो क्या विभाग से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से विभाग से क्या मांग करते हैं आप? क्या चीज बोले सर? मांग करते हैं क्या? मांग करते हैं, हाँ मकान बनाने का, और क्या मांग करें? अच्छा, आवाज़ देखा जाए, नया किया जाए। ये कहाँ का मामला है ये? बिशनपुर का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गिरीश मंडल। पावर नहीं था, ज्यादा नहीं।
जी नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।